दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाली हूँ सभी व्यंजनों को और भी चटपटा और स्वादिष्ट बनाने वाला चाट मसाला। इसे आप चाट, गुपचुप या फिर छोले किसी भी व्यंजन में डालकर उसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं। इसे एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले पैन चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे आधा कटोरी धनिया। तो धनिया को लेने से पहले अच्छी तरह से उसे चूर लें और यहाँ पर एक कटोरी लेंगे तीखी वाली लाल मिर्च। तो लाल मिर्च तीखी वाली ही लें और इसमें डालेंगे आधा कटोरी से थोड़ा सा कम जीरा। इन तीन मसालों को डालकर इसे धीमी आँच में इस तरह से भून लेना है। ये जो मसाले हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, आप किसी भी व्यंजन में इसे डालकर खाएंगे। दही बड़े हो या छोले हो, भटूरे हो, चाट हो, गुपचुप हो, जो भी चीज़ हो, आप इसे ऊपर से डालकर उसका स्वाद और भी बढ़ा सकते हैं। और इसे 4 से 5 मिनट तक धीमी आँच में भून लिए हैं, तो देखिए इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है, हल्का सा सुनहरा कलर का होगा। तब गैस को कर देंगे बंद और ये अच्छी तरह से भून लिए हैं इसे, और अलग प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। तो इसे इतना ही भूनना है, इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो ये जलने लगेगी। और इसे निकाल कर हल्का सा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर एक मिक्सी जार लिए हैं बड़े वाले, जिसमें इन मसालों को पीस सके। और ये देखिए मिक्सी जार में मसालों को डालकर इसे पीस लेना है। तो जब पीसेंगे तो इसे एकदम बारीक नहीं पीसना है, इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। और यहाँ पर देखिए मसालों को पीस लिए हैं, तो इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये हल्का सा दरदरा ही है, तो ठेले वाले गुपचुप चाट जो बेचते हैं इसी मसाले का उपयोग करते हैं। और ये हमारा मसाला तैयार है, तो इसे आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। और इस मसालों को बनाना बहुत ही आसान है, तो आप इस मसालों को एक बार ज़रूर बनाएं। और यह मसाले की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर ज़रूर करें। और इसे कांच की बोतल में रखकर इसे ढककर इसे महीनों तक स्टोर कर रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।